नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती। होली को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। स्मार्ट मीटर में बैलेंस अधिक रखने पर होगा मुनाफा। होली में चलेगी 7 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन। बिहार बोर्ड में मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी। गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे मांगने वालों की ईओयू से कर शिकायत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम किए कम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के अंतर्गत की जाने वाली है। आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मई निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद www.bpsc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत माध्यमिक में 41 और उच्च माध्यमिक में 21 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 600 रुपये, वहीं आरक्षित वर्गों से 150 रुपये लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। होली को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द। आगामी त्यौहार होली को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। पटना मुख्यालय के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द किया गया है। 20 मार्च से लेकर 28 मार्च तक पुलिस कर्मियों के अवकाश लेने पर रोक है। इसको लेकर सभी जिलों के पुलिस मुख्यालयों को आदेश दिया गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों को सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी लेने की अनुमति होगी। मालूम हो कि होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में रहते हैं। हादसों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की जरूरत होती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी देवी के बारे में। विंध्यवासिनी देवी एक भारतीय लोक संगीतकार के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध थी। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। लोग इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जानते थे। इन्होंने मैथिली, भोजपुरी और मगही लोक संगीत में विशेषज्ञता हासिल की थी। इनके कई गाने सीडी प्रारूप में भी जारी किए गए, जिनमें विवाह गीत में एक लोकप्रिय गीत छोटे दूल्हे शामिल है। इन्हें इनके क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए वर्ष 1974 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित हो चुकी हैं। स्मार्ट मीटर में बैलेंस अधिक रखने पर होगा मुनाफा। स्मार्ट मीटर में बैलेंस अधिक रखने पर मुनाफा होगा। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने मीटर में 2000 से अधिक का बैलेंस रखने पर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को नियमित बिजली बिल जमा करने के प्रति जागरूक करने के को लेकर मुनाफे वाले योजना की शुरुआत की गई है। कम से कम 2000 का बैलेंस रखने का पर मुनाफा होगा। लोगों को 1 अप्रैल से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 3 श्रेणी में ब्याज का लाभ दिया जाएगा। पहला लाभ 3 महीने पर, दूसरा लाभ 6 और तीसरा लाभ 6 महीने से अधिक होने पर। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मीटर बैलेंस के रूप में दिया जाएगा। गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे मांगने वालों को ईओयू से करें शिकायत। गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे मांगने वालों की ईओयू से शिकायत कर सकते हैं। मालूम हो कि साइबर ठग ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं। गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे मांगने वालों के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी थाने में भी ऐसे मामलों की शिकायत कर सकते हैं। ईओयू ने जानकारी दी है कि अगर किसी व्यक्ति या परिजन से कोई पदाधिकारी बनकर फर्जी कॉल करता है तो इसकी जानकारी तुरंत देनी चाहिए। पैसों की मांग करने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देने की बात भी कही गई है। साथ ही फर्जी कॉल को लेकर अलर्ट रहने की बात कही गई है। बिहार विधान परिषद के 11 सदस्य निर्विरोध हुए निर्वाचित। बिहार विधान परिषद के 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 11 नव नियुक्त सदस्यों को सर्टिफिकेट दिया गया है। मुख्यमंत्री को फिर से MLC का सर्टिफिकेट मिलने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के अलावे जदयू के खालिद अनवर, भाजपा के मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया है। मुख्यमंत्री के चौथी बार MLC बनने पर विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। राजद से MLC में राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैजल मोहम्मद अली का नाम शामिल है। जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को सरकार ने दिया आदेश।
जल संसाधन नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों को सरकार ने आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में जल संसाधन विभाग, नगर विकास व आवास विभाग और खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इसमें सीएम ने सभी कामों की विस्तृत जानकारी ली है। बैठक में जल संसाधन विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अधिशेष आदि की विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। नदी के पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में ले जाने को लेकर योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और लोग मौजूद। होली में चलेगी 7 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन। रंगों का त्यौहार होली में 7 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने आनंद विहार समेत 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। इससे रेल यात्रियों को सफर में आसानी होगी। आपको बता दें कि यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। फिलहाल दिल्ली पंजाब से गुजरात आने वाले ट्रेनों में भीड़ बढ़ चुकी है, इसी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा हुई है। आनंद विहार पटना सुपर फास्ट एसी फेस्टिवल स्पेशल, दिल्ली बरौनी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, आनंद विहार जयनगर आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, आनंद विहार सहरसा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, आनंद विहार जोगबनी स्पेशल एक्सप्रेस, दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली सीतामढ़ी आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है। दो पहिया वाहनों की बैटरी हमेशा चालू रहने का बदलाव 1 अप्रैल 2017 के बाद से किया गया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन रखने का मुख्य उद्देश्य दो पहिया वाहनों की विजिबिलिटी को बढ़ाना है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ये नियम सालों से ही लागू है। कम विजिबिलिटी के कारण सड़क दुर्घटना होती है। सड़क हादसों को देखते हुए ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन फीचर लाने की सिफारिश की गई थी। हेडलाइट हमेशा ऑन रहने के कारण विजिबिलिटी में इजाफा होता है और गाड़ी को दूर से ही देखा जा सकता है। वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि हेडलाइट हमेशा जलते रहने से बाइक की बैटरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही माइलेज पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। बिहार के मतदान प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के करीब लाना चुनौती। बिहार के मतदान प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के करीब लाना एक चुनौती बन गया है। कई स्तरों पर इसको लेकर काम चल रहा है। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर आदेश दिया है। कला, खेल व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवाओं का भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में योगदान दिया जा रहा है। मालूम हो कि साल 2019 के चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत 57.3 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 67.47 रहा है। राष्ट्रीय औसत से राज्य का औसत 10% कम रहा है। वहीं कुल मतदाताओं में 50% से अधिक की उम्र 40 से कम है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम किए कम। मोदी सरकार द्वारा आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 2-2 रुपए की कटौती केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के रेट में की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला आम लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद लोगों के बीच काफी खुशी है। मालूम हो कि देश में महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर थी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की खबर सामने आई। इस खबर के बाद आम लोगों को महंगाई से काफी राहत मिली। बिहार मदरसा बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी। बिहार मदरसा बोर्ड ने साल 2024 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। अस्तानिया, फोकानी और मौलवी की परीक्षा के लिए परिणाम को जारी कर दिया गया है। छात्र बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsmeb.com पर परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं। एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए छात्र और छात्राओं को अपने रोल नंबर और रोल कोड की जरूरत पड़ेगी। मदरसा शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर होम पेज पर रिजल्ट के विकल्प पर क्लिक कर अपना रिजल्ट आसानी से चेक किया जा सकता है। बिहार मदरसा बोर्ड की रिजल्ट अस्थायी है और 1 सप्ताह के बाद अपने संबंधित मदरसों पर ओरिजिनल रिजल्ट ले सकते हैं। बिहार बोर्ड में मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मुफ्त कोचिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। मुफ्त कोचिंग में नामांकन के लिए परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। छात्र समिति की वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index से अपना प्रवेश परीक्षा का पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर छात्र और छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी तरह की परेशानी होने पर छात्र हेल्पलाइन नंबर 9155191194 पर कॉल कर सकते हैं। मालूम हो कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 से देने वाले अपियरिंग CBSE और ICSE के छात्र और छात्रा भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त कोचिंग में नामांकन करवा सकते हैं।
नक्सली और माफियाओं के लिए रणनीति तैयार। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाए, इसको लेकर नक्सली और माफियाओं के लिए रणनीति तैयार की गई है। पटना में मुख्य सचिव और डीडीपी की अध्यक्षता में 2 दिनों तक नॉर्थ और साउथ बिहार के सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 75 CPMF कंपनियों की नियुक्तियां हुई हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए विशेष तैयारी की गई है। झारखंड पुलिस की मदद से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मालूम हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर तक चुनाव को लेकर तैयारियां की गई है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए विशेष तैयारी की गई है। शराब तस्करों और पुलिस की पैनी नजर है। सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले OTT प्लेटफॉर्म को किया बैन। सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। जानकारी के अनुसार 18 OTT प्लेटफॉर्म के अलावे 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल पर बैन लगाया गया है। इन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। मालूम हो कि ड्रीम्स फिल्म एक्स प्राइम आदि ऐप्स को बैन किया गया है। शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपति के जाने पर राजभवन ने फिर लगाई रोक। शिक्षा विभाग की बैठक में कुलपति के जाने पर राजभवन ने फिर से रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा आज शिक्षा विभाग की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें कुलपतियों के जाने पर राज्यपाल ने रोक लगा दी है। इस संबंध में बीते दिन एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के VC को शिक्षा विभाग की मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं है। मालूम हो कि फरवरी के महीने में भी शिक्षा विभाग ने बैठक बुलाई थी, जिसके बाद फिर से विभाग ने बैठक बुलाई है। पिछली बार राज्यपाल के बैठक में शामिल नहीं होने पर शिक्षा विभाग द्वारा उनके वेतन पर रोक लगा दिए गए थे। जानिए प्रदेश में आज का मौसम। प्रदेश के कई स्थानों पर पछुआ हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार के कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। जहानाबाद में तालाब की खुदाई के दौरान मिली राधा कृष्ण की प्रतिमा। जहानाबाद में तालाब की खुदाई के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति मिली है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ पड़ी। जिले में काको प्रखंड के मदरसा के पास लघु सिंचाई के दौरान तालाब की खुदाई का काम हो रहा था। इसी दौरान मूर्ति बरामद की गई। प्रतिमा मिलने के बाद अंचलाधिकारी और काको के थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इस बात की जांच की जा रही कि मूर्ति कितनी पुरानी है। यहां पर ग्रामीणों के द्वारा मंदिर बनवाने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की मदद से यहां पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। पवन सिंह ने RJD से चुनाव लड़ने से किया इनकार। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने भाजपा के टिकट से आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने कहा है कि चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उनके RJD से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। इस पर पवन सिंह ने कहा है कि राजद से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अभी वही हूं। एक्टर ने कहा है कि वो भाजपा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर पार्टी के आलाकमान से बातचीत हो रही है। NDA गठबंधन में रहेगी पशुपति पारस की पार्टी RLJP। बिहार में NDA में सीट शेयरिंग को लेकर पशुपति पारस की पार्टी RLJP की नाराजगी की खबरों के बीच प्रिंस राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष प्रिंस राज ने PM मोदी पर भरोसा जताया है। साथ ही कहा है कि हमारी पार्टी रालोजपा NDA गठबंधन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे नेता हैं और इनका फैसला ही हमारे लिए सर्वोपरि है। मालूम हो कि बिहार में NDA की ओर से सीट शेयरिंग का कोई फिलहाल आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले समस्तीपुर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने PM मोदी पर भरोसा जताया है। सीट शेयरिंग और लोकसभा के प्रत्याशी पर कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस के प्रदेश चुनावी कमेटी के 16 मार्च को बैठक होगी। इसके लिए पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल सेट कर लिया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें प्रत्याशी के नाम पर भी मंथन होगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का पैटर्न करीब करीब सेट हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है।
इसी बीच कांग्रेस की ओर से अपनी पार्टी में योग्य और काबिल उम्मीदवारों का चयन शुरू हो चुका है। वहीं किस क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला आला कमान करेंगे। CAA को राजद ने बताया जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून कहीं से भी उचित नहीं है। साल 2019 में इस कानून को सदन में पारित किया गया था। मनोज झा ने कहा है कि साल 2019 में ही हमारी पार्टी ने कहा था कि ये कानून संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। 4.5 साल के बाद सरकार फिर से जागी और जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के पास नौकरी पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एबी डिविलियर्स ने कही ये बात। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एबी डिविलियर्स ने बयान दिया है। साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी ने कहा है कि धोनी ने पिछले साल अविश्वसनीय क्रिकेट खेला। एबी डिविलियर्स ने माही के संन्यास लेने की खबरों को गलत बताया है। साथ ही कहा है कि पिछले साल भी धोनी के संन्यास की गलत खबरें चली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो फिर से वापस आएंगे। डिविलियर्स ने कहा है कि धोनी का आखिरी IPL सीजन कौन सा होगा, इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो इस डीजल इंजन की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता है। वो एक अविश्वसनीय खिलाड़ी है और अविश्वसनीय कप्तान भी है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1969 में भारतीय नौसेना में पहला हेलीकॉप्टर दस्ता गोवा में शामिल किया गया था। आज के दिन वर्ष 1988 में आजादी के बाद पहली बार 8 राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। आज के दिन वर्ष 1993 में भारतीय क्रिकेट इतिहास में विनोद कांबली ने 227 रन बनाए थे। आज के दिन वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अर्जुन अवार्डो गतिका जाखड़ ने लगातार 7वीं बार भारत केसरी खिताब जीतकर देश की सबसे ताकतवर महिला पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था। आज के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। AI से जनरेटेड कंटेंट की ऐसे करें पहचान। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है, कई लोग तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। AI जनरेटेड कंटेंट आजकल WhatsApp, Instagram और Facebook जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होता भी नजर आ रहा। इन दिनों कई बॉलीवुड सेलेब्स और अन्य प्रसिद्ध लोग और नेताओं के AI जनरेटेड फोटो और वीडियो वायरल भी हुए हैं। आज के इस इंटरनेट के जमाने में हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप AI जनरेटेड फोटो और वीडियो की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आपको गूगल इमेज सर्च पर जाना होगा। इसके अलावा आप TensorFlow और Yandex की मदद भी ले सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। इसके अलावा जब आप इमेज को जूम करके देखेंगे तो यदि वीडियो है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विराज, स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मार्च का पहला सोमवार, ऑप्शन बी है मार्च का दूसरा गुरुवार, ऑप्शन सी है मार्च का आखिरी शुक्रवार, ऑप्शन डी है मार्च से एक यादृच्छिक दिन। इसका सही उत्तर है मार्च का दूसरा गुरुवार। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है समुद्री निगरानी, ऑप्शन बी है सैन्य परिवहन, ऑप्शन सी है माल परिवहन, ऑप्शन डी है यात्री परिवहन। इसका सही उत्तर है सैन्य परिवहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में किसका उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है गांधी आश्रम, ऑप्शन बी है साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी है कोचरब आश्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कोचरब आश्रम। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी है माधव श्री हरियाणे। इसका सही उत्तर है जयराम दास दौलत राम। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, विकास दास, उमेश ऋषिदेव, पीयूष कुमार, शंभू कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र यादव, अमर आजाद, राहुल कुमार, सुशील कुमार मोदी, राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, अनुज गुप्ता, नौशाद रजा, राजेश मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, अति खान, शैलेश यादव, धीरज कुमार, पप्पू, मोहम्मद साकिर हुसैन, अभिषेक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार पवन सिंह किस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।